दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया था। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है x इक्वल टू a। ठीक है दोस्तों, ये कोष्ठक के बाहर है और थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये सवाल आप लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, इसको करने के लिए आपको पहले a को यहाँ पे सही जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए, जब आप इतना कर लेंगे ये हो जाएगा x इक्वल टू a थीटा हो जाएगा माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक से जब a का करेंगे तो a हो जाएगा प्लस a cos थीटा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा है थीटा और थीटा और यहाँ पे थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका अवकलन जो करेंगे वो करेंगे थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब इतना करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए, पहले हम इसका कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसका कर लेंगे। तो पहले हम इसका करने वाले हैं, तो ये हमारा हो जाएगा dx अपान में डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज होने वाला है, जो होता है, देखिए पहले हम a को छोड़ेंगे तो ये हमारा जो a डी थीटा अपान में डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि डी अपान डी थीटा से हमें मल्टीप्लाई करना है। और प्लस हमें क्या कर देना है, इस बार थीटा को छोड़ना है और डी ए अपान में कितना हो जाएगा दोस्तों, डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमारा अभी इतने का अवकलन हुआ था। देखिए, इसका जब करेंगे तो इसमें भी वही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमारा यहाँ पे हुआ था। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमें ए को छोड़ना है, फिर करना है डी अपान में डी थीटा, और फिर किसका करना है साइन थीटा का। अब देखिए, फिर से हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे हमें साइन थीटा को छोड़ना है और डी ए अपान में डी थीटा कर देना है। अब देखिए, यहाँ से ये तो हमारा कर जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आएगा डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, सॉरी डी एक्स अपान में डी थीटा इक्वल टू, ये हमारा ए बचेगा क्योंकि डी थीटा अपान डी थीटा कर गया है, ये ए हो जाएगा। और देखिए, ये डी डी ए और डी थीटा, ये हमारा ये तो अचर पद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए थीटा छोड़ा था और डी ए, अब ये हमारा इसका मान जीरो हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। और माइनस यहाँ पे लिखिए आप लोग, देखिए ए तो ए रहेगा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब इसका करेंगे डी ए अपान डी थीटा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई है। इतना तो आपको पता है, वो किसी भी संख्या में हम जब जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा पूरा जीरो हो जाता है, जैसे कि यहाँ हुआ था यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमें कितना आया है, डी एक्स अपान में डी थीटा इक्वल टू कितना है, 1 माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि इसको और इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये हमारा आ गया है डी एक्स अपान में डी थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये हमारा इतना आ गया है। अब इधर हमें क्या करना है, इधर हमें इसका करना है वाई का। ठीक है दोस्तों, वाई का जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमने तो एक्स का निकाल दिया है, अब वाई का करेंगे यहाँ से, वाई देखिए क्या करेंगे, डी वाई अपान में डी थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से, और इसको जो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो डी ए अपान में डी थीटा हो जाएगा। इसको जो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले ए को छोड़ेंगे, प्लस प्लस लगा, पहले ए को छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। ए को छोड़ेंगे तो आप फिर करेंगे डी अपान में डी थीटा कॉस थीटा का करेंगे, फिर कॉस थीटा को छोड़ेंगे, फिर डी अपान में डी थीटा किसका करेंगे दोस्तों, ये हमारा ए का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए मान डी वाई अपान में डी थीटा इक्वल टू, देखिए ये तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारा अचर पद, इसका करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ए तो ए रहेगा, कॉस थीटा हमारा होता है माइनस साइन
थीटा। और देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये, तो देखिए ये इसका करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कॉस थीटा जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हमारा आ जाएगा डी वाई अपान में डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए साइन थीटा। तो ये इतना हमारा आ गया है डी वाई अपान डी थीटा का मान। अब देखिए हमें मान क्या निकालना है, हमें तो डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे आप लोग इतना जानना है। तो देखिए क्या होता है कि डी वाई अपान में डी एक्स तो हमें निकालना है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग, इसको इक्वल टू करेंगे देखिए डी वाई अपान में डी थीटा और डी एक्स अपान में यदि डी थीटा कर दें, मतलब अगर यदि इसको इससे भाग दे दें तो हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि देखिए थीटा से थीटा हमारा कट जाएगा और यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स ये है। तो यहाँ से हम लिख देंगे देखिए डी वाई अपान डी थीटा का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा, और हमारा क्या मान है देखिए, और डी एक्स अपान डी थीटा का मान कितना है देखिए, यहाँ से ए आप कॉमन करके लिख दीजिए क्योंकि यहाँ हमें ए को काटना है, तो यहाँ से हम लिख देंगे माइनस सॉरी ए को कॉमन कर लिया हमने, देखिए ए को कॉमन कर लिया तो हमारा कितना बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा हमारा इतना बचा है, देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा मान आ गया है। अब देखिए यदि आपको बुक में आंसर मिलाना है, ठीक है दोस्तों यदि आपको बुक में आंसर मिलाना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे आप लोग, देखिए बुक में आंसर आ रहा होगा माइनस कॉट थीटा बाई टू, तो उसको मिलाने के लिए आप चाहें जितना भी आंसर लिख सकते हैं, आंसर आपको कोई इतना गलत नहीं करेगा, लेकिन हम आपको बुक में मिलवा देते हैं। बुक में कैसे मिलाएगा देखिए, बुक में हमारा मिलाएगा यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस तो हमारा रहेगा माइनस टू साइन, ठीक है दोस्तों टू साइन थीटा बाई टू, इसको इतना लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि यदि साइन थीटा बाई टू रहता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे देखिए केवल साइन थीटा है तो हमारे यहाँ से थीटा का मान हमारा थीटा बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से इसका कितना मान हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि टू से टू हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक साइन से एक साइन हमारा कट जाएगा, तो हमारा बचा कितना है देखिए, हमारा मान जो आएगा वो आएगा डी वाई अपान में डी थीटा बराबर कितना बचा है दोस्तों, कॉस थीटा बाई टू वो भी माइनस में, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए डी वाई अपान में डी थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा दोस्तों, माइनस कॉस थीटा बाई टू, देखिए कॉस थीटा बाई कैसे आ गया है, क्योंकि कॉस अपान साइन हमारा होता है कॉस, और थीटा का मान हमारा थीटा बाई टू दोनों जगह है, इसलिए थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह इसका हमारा राइट आंसर है। यदि आपको कहीं कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका उत्तर जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार से नॉलेजबल वीडियो हम आपको देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।